तो बात की शुरुआत गौतम भाई आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आपको जरा जाना है जल्दी, तो हालांकि हम चाहेंगे आप जितनी देर तक रुक सकते हैं जरूर रहिए। आप दिल्ली में बैठे, आपको क्या लग रहा है कि जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, और आप सब कुछ वहीं से तय होता, क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को फिर से मिलेगी कुर्सी, या कोई बाबा जी आ जाएंगे? गौतम लहरी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रहा है, मैंने सुना नहीं था। हाँ, आ रहा है। तो कुछ लोग अब समझते हैं कि मैं प्रेस क्लब में ही बैठा हूँ, इसलिए यहाँ का वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का आपको कुछ झलक सुनाई भी दर्ज देख सकते हैं, अब सुन सकते हैं। तो इसको आप इग्नोर कीजिए, बाकी टाइम तो मैं म्यूट करके रखूंगा। नहीं, बताइए। तो जो भी आपने जो बुनियादी सवाल जो उठा उठाया, ये बात सही है कि बीजेपी का जो रणनीति है, इस रणनीति में वो योगी, नया जो योगी है बालकनाथ, वो तो इनका फिट करते हैं, बात तो सही है। कारण यह है कि एक तो उनका कास्ट का हिसाब से भी वो सूट करता है, भी शायद वो चाह रहा है इस बार ओबीसी को ज्यादा महत्व दे। दूसरी बात यह है कि ये जो कारण जो है, जो इसका जो जीत है अभी बीजेपी का, इसको अगर आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए जो काम, जो इनका कहना है कि लोगों को पास काम पहुंचाया, लोगों को पास लाभ दिया है, ऐसे कौन सी काम है जो अशोक गहलोत नहीं कर रहे थे? अशोक गहलोत जो शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे, अशोक गहलोत भी वही कर रहे थे। वही 500 रुपया का सिलेंडर लोगों के पास पहुंच रहा था, उनका जो संजीवनी जो स्कीम है उसका भी लोग लाभ उठा रहे थे। तो हाँ, जो इंश्योरेंस। जनता का जन कल्याणकारी जो योजना, शिवराज सिंह चौहान और आप तो अशोक गहलोत से अगर तुलना करेंगे, ज्यादा फर्क आपको दिखाई नहीं देंगे। भ्रष्टाचार का तो खिलाफ अब बीजेपी सरकार के खिलाफ होता नहीं है, क्योंकि उठता नहीं है तो छपता भी नहीं है। और अगर कांग्रेस के खिलाफ कुछ होता है तो बढ़ चढ़ के छपते हैं, वहां पे ईडी जाते हैं, रेड होता है। आप तो बीजेपी कोई नेता के घर पे ईडी सीबीआई जाना तो भूल गया, और रास्ता ही पहचानते नहीं है, उसको गूगल मैप देके रास्ता दिखाना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि कारण इसके सबसे ज्यादा अंतर्निहित जो अर्थ है उसके है बीजेपी का आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। वो हिंदुत्व तो उनका जनता के, गरीब जनता के पास लाभ पहुंचाना, साथ साथ उनका जो हिंदुत्व तो आइडियोलॉजी, उसका प्रखर रूप से हिंदी बेल्ट में बहुत ज्यादा है। आपको देखा, तेलंगाना में नहीं हुआ था, कर्नाटक में नहीं हुआ था, बंगाल में कभी होगा कि नहीं आए मुझे पता नहीं है, कुछ सीटों मिल सकता है लेकिन ज्यादा होगा नहीं। आप जितना कोस्टल स्टेट है उसमें आपको फायदा नहीं दिखाई देगा, जिसमें फायदा है सिर्फ हिंदी हार्टलैंड, जहां पे हिंदी भाषी ज्यादा है, वो बहुत आसानी से और वोट हिंदुत्व भी को, वहीं पे बहुत ज्यादा है, वोट भी वहां पर वोट बहुत भी ज्यादा ज्यादा है। है वहां से। लेकिन बाकी राज्यों में भी कम नहीं है, बाकी राज्यों में कुल मिला के लोकसभा सीट ज्यादा हो सकता है कि बराबर होगा, लेकिन बाकी राज्यों में पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कोई तालमेल नहीं है, कोई एकजुटता नहीं। इसके कारण कोई बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, एनडीए को सपोर्ट करते हैं, बाकी कोई आते नहीं है। लेकिन मेरा भी कहना था कि सबको एक दिन ना एक दिन प्रॉब्लम में फंसना पड़ेगा, कि अगर वो सोचता है कि हम अलग रहेंगे देश का विरोधी दल के गुट से, इससे आराम से रहेंगे मोदी जी का सरकार के होते हुए, फाइनली वो नहीं रह पाएंगे। बीजेपी के साथ जो एनडीए अलायंस आए थे, देखिए आज कोई बचा नहीं है, उसका हर पार्टी में टूट हो चुका है। बीजेपी का ये एक रणनीति है, राजनीतिक रणनीति है, जो घटक दल, जो क्षेत्रीय दल है उसको कमजोर करना है। ये क्षेत्रीय दल भी समझ, कुछ समझता है कुछ समझ नहीं रहे। तो मेरे जो कहना, आपने जिसका नाम लिया, इसके होने का संभावना बहुत ही ज्यादा है, अगर लोकसभा का चुनाव के लिए उनको उसी हिंदुत्व तो, क्योंकि जो लाभ दे रहा है वो तो दे ही रहा है, आपको फ्री राशन देना, जो जो करना है वो तो कर, जो अशोक गहलोत कर रहा है वो दूसरा नाम लेके वो करेगी, वो तो करेगा। लेकिन इससे तो फायदा, लेकिन लोगों को ध्रुवीकरण कैसे किया जाए, लोगों को कैसे, एक तो बाबा ने, आप तो देखा ही होगा, उन्होंने घोषणा कर दी कि जहां जहां मीट और नॉनवेज मिलता है वो दुकान बंद होना चाहिए। तो वो तो जोगी बालकनाथ से कंपटीशन में आ गया है, वो तो प्रतिस्पर्धा में, मैं ज्यादा बड़ा बाबा हो तुमसे ज्यादा, जोगी बालकनाथ से, जोगी बालकनाथ ऐसे बात अभी कहा नहीं है। कल तो देखा कि पार्लियामेंट में पहले दिन जोगी बालित्यनाथ आए, बाला बाला बालकनाथ आए भी थे, उसको कांग्रेस लीडर ने उसको ये पूछ भी दिया था, आप ही तो सीएम बन रहे हैं ना, उन्होंने पूछा था, इसलिए आपको बधाई, अग्रिम बधाई दे रहा, आप तो पार्लियामेंट में आने का समय नहीं मिलेगा।
तो उन्होंने हंसा, जवाब कुछ तो नहीं दिया, पता है जवाब तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन एक तरह से हंस के उन्होंने उसका बात को एंडोर्स भी कर लिया है, शायद वो बन रहा है। तो मुझे नहीं लगता है, जिसके टेस्ट किया बीजेपी अभी तक वसुंधरा राजे, मुझे बड़ा सरप्राइज होगा। देखिए मोदी जी का नाम ऐसे ही माना जाता है, जो नाम आप चर्चा कर रहे हैं उसी में कोई भी ना हो, कोई एक अचानक सरप्राइज भी हो सकता है, जनरली यही हुआ मेरे ख्याल में। मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ उसी यूपी में भी यही हुआ था, यूपी में भी ऐसे ही हुआ था, मुख्यमंत्री का नाम से गुजरात हो कि उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, जहीं भी हो, आप देखिए पहले मीडिया ने बोल दिया ऐसे कुछ नाम हुआ, मुझे तो नहीं लग रहा था। इसलिए मेरा पॉलिटिकल दृष्टि से, आइडियोलॉजिकल दृष्टि से फिट करता है बालकनाथ बाबा, ये बात सही है। बीजेपी का आइडियोलॉजी पता नहीं, अंदर में और कोई बाबा भी है शायद, हो सकता है कि जिसको बीजेपी का एजेंडा को आगे ले जाना है, उनमें सारे लोकसभा सीट जीते थे पिछले 2019 में, वो भी 2018 में कांग्रेस जीतने के बाद। तो ये जितना भी कहे कि सारे मीडिया भी कहे, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया तो बोल रहा है कि 24 इज अ डांडील है, चुनाव में ऐसे होता नहीं है, डांडील नहीं है। आप बोल सकते हैं कि एडवांटेज में, डेफिनेटली एडवांटेज में है बीजेपी, में मानता हूँ, लेकिन 24 डांडील हो गया ये मानने के लिए मैं तय नहीं हूँ। इसलिए ये सबसे ज्यादा समझते हैं मोदी जी, मोदी जी सब कुछ समझते हैं, और समझ के और रणनीति उसको पता है कि जो पूरा जो सीट मिला था 25 पूरा के पूरा इस बार मिले कि नहीं मिले। पर अगर आप इसके साथ लोकसभा का डन डील कहेंगे तो ये भी तो आंकड़ा आ रहा है कि विधानसभा का वोट अगर आप ट्रांसलेट करेंगे लोकसभा में, तो पूरा स्वीप बीजेपी का लोकसभा में किसी राज्य में नहीं हो रहा है। नहीं, इसीलिए अगर जो मीडिया जो डन डील बोल रहा है, वही मीडिया ये नहीं बोल रहा है कि विधानसभा सीट अगर कारण से अगर लोकसभा स्वीप है तो विधानसभा वोट का लोकसभा में ट्रांसफर करने से उतना सीट तो नहीं आ रहा। अभी 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 हम इस बात पे डिस्कशन किसी और दिन करेंगे कि डन डील है कि नहीं है।